हाय फ्रेंड्स, सिबिस इन्फो में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर सामने आया है, जो कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पोस्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आज से इसका फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। उसके बाद जो फ्रेंड्स, आप अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में आपको पहले आपका नाम भर लेना है, उसके बाद कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, अगर किसी का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी भर लीजिएगा, और लास्ट नेम है तो यहाँ पे जो है लास्ट नेम भी भर लीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है पूरा नेम नीचे में आ जाएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, इसमें जो है फ़ोन नंबर आप अपना डाल दीजिएगा, इसमें OTP आएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ईमेल आईडी इस फॉर्मेट में डालिएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे @ बाद में सेलेक्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद जो है नीचे वाले में आपको पूरा ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैप्चा डाल के उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे पूरा फिल कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सबमिट और नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए इंटरफेस ओपन होकर आता है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉग आउट करना चाहते हैं तो दोबारा से यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के ओपन होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पहले फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट होगा मेरा। बिना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड किए यहाँ से आगे नहीं जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान में रहे कि आप जो है अच्छे से फोटो को अपलोड कीजिएगा और जो है यहाँ पे सिग्नेचर को भी अच्छे से क्लियरली अपलोड करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दोनों चीज़ हम अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एक चेकबॉक्स होगा फ्रेंड्स, चेकबॉक्स में भी इसको जो है आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बेसिक डिटेल्स के लिए ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कौन सा रीजन में आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो है भोपाल रीजन में फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसलिए हम भोपाल सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ हिंदी ही आ रहा है, इसलिए हम जो है इसी सर्कल में चूज़ किए थे, तो हम जो है हिंदी सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑप्शनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, क्या आप उसका स्टडी किए हैं आप 10th और 12th में, तो इसमें यस है तो यस कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सब कास्ट पूछा जा रहा है, सब कास्ट अगर आपको भरना है तो भर दीजिए, अदरवाइज नहीं भी भर सकते हैं क्योंकि जो है मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको यस और नो में नो करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप डिजेबिलिटी है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन में देखिए यहाँ पे सारा आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम हिंदू हैं, हिंदू चूज़ कर लिए हैं। अगर कोई मुस्लिम है, जो भी कैटेगरी के आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हिंदू फ्रेंड्स यहाँ पे जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिटीजनशिप जो है इंडिया ले लिया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, अगर आप सर्विस मैन हैं या एक्स सर्विस मैन हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सारे में जो है नो नो ही होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप कौन सा जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मेरा स्टेट ये बिहार है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है फ्रेंड्स यहाँ स्टेट कोड ले लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे कहाँ सेंटर हम चाहते हैं, तो मेरा जो है पटना, हम सेंटर चाहते हैं कि मेरा जो है सेंटर पटना में हो। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईडी प्रूफ पूछा जा रहा है कि मेरे पास जो आईडी प्रूफ क्या है, तो आधार कार्ड हम डाल देते हैं, आधार कार्ड मेरे पास है। तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ही देना जो है बहुत ही अच्छा बात है फ्रेंड्स, क्योंकि आधार कार्ड हर एक चीज़ से जो है आपका लिंक किया हुआ रहता है, और जो है अपडेट में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। अगर बायोमेट्रिक भी अगर लेता है आधार कार्ड के थ्रू तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको ऐसा आधार कार्ड डाल देना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मेल फीमेल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई किसी का भाई या बहन ट्विन है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो करके यहाँ से आगे निकल जाइएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैरिड अनमैरिड भी सिलेक्ट कर लीजिएगा क्या है। उसके बाद जो है फादर्स नेम यहाँ पे फर्स्ट में फर्स्ट नेम और फादर्स नेम डालिएगा, उसके बाद लास्ट नेम और फादर्स नेम यहाँ पे डालिएगा, उसके बाद जो फर्स्ट नेम मदर्स नेम यहाँ डालिएगा, उसके बाद जो है लास्ट नेम मदर्स नेम यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप एड्रेस अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा सेम अगर परमानेंट एड्रेस है तो ठीक है, यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक कर लीजिएगा। अगर अलग है तो जो है आप यहाँ पे अलग भर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्पेशल जो है एसटी कैटेगरी से मतलब फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है अमाउंट चार्ज यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज है यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे नील दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वैलिडेट योर डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरा सारा इसमें जो है हम फिल कर लिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे जो है वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना पड़ता है। मेरा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एजुकेशनल डिटेल्स ओपन हो गया है, तो एजुकेशनल डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है देख लीजिए। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स में आपको जो स्ट्रीम है आपका जो स्ट्रीम है जैसे आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट चार्टर अकाउंटेंट्स मेडिकल जर्नलिज्म लॉ BBA, BCA, कॉस्ट अकाउंटेंट या अदर कुछ भी अगर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पहले हम जो है साइंस हैं तो साइंस से आपको फिलअप करना है, तो हम यहाँ पे जो है फ्रेंड्स पूरे अच्छे से फिल कर लेते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं, उसके बाद जो है पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क्स कितना ऑब्टेंड किए थे जिसे मेरा 76% है, उसके बाद कौन सा क्लास से आप पास किए हैं ये फिलअप करने के बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस में यस कीजिएगा तभी आपका जो है फॉर्म आगे ओपन होगा या सबमिट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऐसा डिटेल्स भरने के बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस वाले पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए आपको यस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट में आपको जिसको जो कैंडिडेट है उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट में करें या क्या आपका पोस्ट है उस फील्ड में जिसमें कर रहे हैं वर्क। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कब से आपका स्टार्टिंग ज्वाइनिंग है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है नेचर ऑफ ड्यूटी में वन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्रेंड्स टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ यहाँ पे 33 आ जाएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी है, उसके बाद यहाँ पे टिक बॉक्स में क्लिक कर लेना है रीड राइट एंड स्पीक में। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात हम गौर करने वाली बात है कि एक फ्रेंड्स का इशू आ रहा था कि वो जो है कि 2020 में उसका जो है ज्वाइनिंग किया हुआ था तो कोई फॉर्म था जो कि उसमें वो फिलअप नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। अगर 2020 में आप ज्वाइनिंग किए हैं 1 जनवरी 2020 को तो उसके बाद से भी आपका काउंट हो रहा है, तो 2 साल अगर उस टाइम भी आप ज्वाइनिंग किए हैं तो भी आप जो है आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू कर लीजिए अच्छे से कि अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं, उसके बाद जो है सुधार नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही अच्छे से अच्छा से देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी वगैरह पूरा मार्क्स कितना है कौन सा क्लास में है सब चीज़ अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस वाला डिटेल्स भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपलोड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है कोई आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा जैसे आधार कार्ड है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जिसमें कोई भी सर्टिफिकेट मैट्रिक ट्वेल्थ या जो ग्रेजुएशन का नहीं फ्रेंड्स कम से कम ट्वेल्थ या मैट्रिक का जो है आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स आपका जो है क्या जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं उसका क्या जॉब प्रोफाइल है वो भी इसमें फिल करना पड़ेगा। उसका कोई जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में उसको जो है उसका जो है एक पेज बना लेना है, उसमें जो है लिख देना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रीफ एक रिज्यूम बना लेना है, रिज्यूम को जो है भी अपलोड कर देना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मार्कशीट है जैसे आपके ग्रेजुएशन का है उसको या सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब ऑफर लेटर जो है उसका स्कैन करके इसमें जो है अपलोड करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स सैलरी स्लिप भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्चा डाल के यहाँ से आपको सबमिट करना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पूरा जो है डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर दिए हैं, और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 500 KB से जो है कम का PDF डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तभी अपलोड लेगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा अच्छे से आप रिफ्रेश करके डाल लीजिएगा, तो मेरा जो है सारा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है मेरा पूरा फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है, और देखिए अच्छे से हम देख रहे हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमको सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम जो है सेव कर लेते हैं। प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो है आप एज ए सेव PDF में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और उसके बाद जो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला सभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।